भोपाल में 15 जून शनिवार को बसें नहीं चल रही हैं। भोपाल की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बसों के आज पहिए थम गए हैं। बसों के बस ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल के चलते सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से भोपाल के नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से गांधीनगर, अयोध्या बाईपास, ईदगाह हिल से लेकर भोपाल एम्स और पुतलीधर कोकटा काल लाल घाटी कोच फैक्ट्री से बैरागढ़, चिचली, आकृति, इको सिटी, चिरायू हॉस्पिटल तक चलने वाली 150 लो फ्लोर बसों में सफर करने वाले हजारों लोगों को परेशानी हुई। बाग सेवनिया बस डिपो संघ अध्यक्ष अजीज खान का कहना है कि जब तक पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। एसआई को लेकर जो कि पैसा जमा नहीं किया गया है, वो पैसे की मांग को लेकर 14 तारीख से सभी ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल पर हैं। वो जब तक हड़ताल ये समाप्त नहीं होगी, जब तक के सभी का पैसा इनके अकाउंट में या भविष्य निधि में नहीं दिया जाए। प्रोविडेंट फंड जमा ना करना ये बताता है कि किस हद की लापरवाही हुई है और किस हद तक ये भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब जो कर्मचारियों से आप काम ले रहे हो, अगर आप उनका पीएफ जमा नहीं कर रहे हो, जो कि उम्मीद से नौकरी करते हैं क्योंकि वो तनख्वाह कटवाते हैं, उतना ही परसेंट 12.5% पीएफ आपको ही मिलाना पड़ता है, 12.5% उनकी तनख्वाह से कटता है। अगर आप नहीं मिला रहे हो, ये उनके साथ धोखा भी है और ये भ्रष्टाचार भी है।